लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान इस साल रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा से डेब्यू करेंगी। वहीं जंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे टाइगर श्रॉफ के अपोजिट अगले साल रिलीज होने वाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में होंगी। इस फिल्म से उनके साथ टीवी एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी डेब्यू करेंगी। जाह्नवी कपूर को इसी साल करण जौहर ने अपने धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च किया है। उनकी डेब्यू फिल्म धड़क ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया और किसी भी न्यूकमर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जाह्नवी के अलावा इस साल कई और नए चेहरे भी लॉन्च होने वाले हैं। जाह्नवी से जब इस कॉम्पिटिशन के बारे में पूछा गया तो वे बोली, मुझे समझ नहीं आता कि सभी हमें एक दूसरे के खिलाफ क्यों देख रहे हैं। कॉम्पिटिशन एक बुरी चीज होती है, अगर आप उसे बुरी तरह से लें तो मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। हमेशा वुमन्स को ही कॉम्पिटिशन में क्यों रखा जाता है? ईशान से तो कोई नहीं पूछता कि उन्हें कितना कॉम्पिटिशन दिखाई देता है। खैर, सच कहूँ तो हम खुश रह सकते हैं और एक दूसरे की सक्सेस एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरे का अच्छा काम भी एक्सेप्ट करेंगे। जाह्नवी बोली, बट और ऑडियंस में सारा अनन्या और तारा का काम देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैंने अभी तक तारा से बात नहीं की है, पर सारा और अनन्या से मेरी मुलाकात हो चुकी है और दोनों बहुत खुश रहती हैं। मैं स्क्रीन पर उनका मैजिक देखना चाहती हूँ। यह देखना अच्छा लगता है कि इंडस्ट्री में कई नए टैलेंट आ रहे हैं।